हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एन सी आर टी क्लास टू ई वी एस माई डेली रूटीन माई डेली रूटीन आप जानते हैं ना कि हम सुबह उठ के सुबह उठते हैं फिर ब्रश करते हैं सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं नहाते हैं उसके बाद हम ड्रेसअप होते हैं देन वी टेक अवर ब्रेकफास्ट देन वी पैक यूर आवर बैग लंच वाटर बॉटल एटसेकट्रा देन वी गो टू स्कूल बाय बस ऑटो कार रिक्शा एटसेट्रा देन वी एंटर इन द स्कूल गो टू अवर क्लास रूम एटसेट्रा दिस इज अवर डेली रोटीन आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे टारगेट लर्निंग आउटकम्स टारगेट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा इससे हमें सीखने को मिलेगा डेज ऑफ डेज़ ऑफ द वीक डेली एक्टिविटीज़ नो अबाउट सन मून एंड स्टार नो अबाउट फोर ड्रैक्शंस ठीक है हम डेज ऑफ वीक के बारे में जानेंगे कि सात डेज होते हैं डायरेक्शन हमारी चार होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेट स्टार्ट वट इज़ द डेली रूटीन हमारा डेली रूटीन क्या होता है आज हम उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट क्या है दिस इज़ गेटअप फ्रॉम द बेड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सेकेंड सेकेंड हमारा क्या है हेयर हेयर द चाइल्ड इज़ डूइंग ब्रश हमें रोज़ अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए अगर हम टीथ को ब्रश नहीं करेंगे तो जम्स आ जाएंगे वहाँ पर थर्ड थर्ड इज़ बेथिंग बेथिंग का मतलब नहाना हर रोज हमें नहाना चाहिए हमारी बॉडी पर जो भी जम्स होते हैं वो सारे नहाने से निकल जाते हैं और हम फ्रेश फील करते हैं नेक्स्ट वी मस्ट टेक अवर ब्रेकफास्ट हमें अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहिए हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए मिल्क लेना चाहिए हमें उसके साथ वेजिटेबल्स लेनी चाहिए ताकि सारे दिन के लिए हमें एनर्जी मिलती रहे ठीक है टॉयलेट हमें जाना चाहिए ठीक है टॉयलेट आप पहले भी जा सकते हो ठीक हमें फिर क्या होना है हमें ड्रेसअप होना है स्कूल के लिए स्कूल में जाएंगे हम अपना बैग ले कर ड्रेसअप होंगे उसके बाद स्कूल में पहुँच गए आप स्कूल में आप क्या करोगे स्कूल में आप पढ़ाई करोगे ठीक है स्टडी करोगे स्टडी करने के बाद आप वापिस घर आओगे वापिस घर आके आप क्या करोगे थोड़ा खेलोगे थोड़ा पढ़ोगे ठीक है प्ले टाइम और उसके बाद रात को आपका क्या होता है स्लीपिंग टाइम ये हमारा जो है डेली रूटीन है इसी तरह से करते हैं ना हम सब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है माय डे हम किस टाइम पर क्या काम करते हैं माय नेम इज़ यहाँ पे अब आप, आप अपना नाम लिखोगे जो भी आपका नाम है ए बी सी जो भी आपका नाम है वो आप लिखोगे ठीक है अपना नाम लिख देना है आपने नाम लिखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आई अप मैं कितने बजे उठता हूँ ठीक है कितने बजे उठता हूँ सुबह हम जल्दी उठते हैं ना तो हम क्या बनाएंगे सिक्सों ओ क्लॉक छोटे वाली और इधर बड़े वाली ठीक है दिस इज सिक्स ओ क्लॉक उसके बाद आई ईट ब्रेकफास्ट एट ब्रेकफास्ट के लिए फिर हम किस पे ले आएंगे सेवन पे ले आएंगे छोटे वाली और बड़े वाली हमारी ट्वेल्व पर उसके बाद नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल स्कूल के लिए हम एट पर ले आएंगे और उसके बाद बड़े वाली ट्वेल्व पर उसके बाद नेक्स्ट है आई ईट लंच मैं लंच कितने बजे खाता हूँ ठीक है हाँ मैं लंच कितने बजे खाता हूँ लंच के लिए हम क्या करेंगे लंच के लिए हम दोनों सुई किस पर ले आएंगे ट्वेल्व पर ठीक है दोनों हमारी किस पर ट्वेल्व पर उसके बाद आई लिव स्कूल एट स्कूल से वापस मैं कितने बजे आता हूँ ध्यान से देखिए स्कूल से वापस हम तीन बजे घर पहुँचते हैं ठीक है तो थ्री पर हमारी जो है स्मॉल हैंड आ जाएगी और हमारी जो बिग हैंड किस पर आ जाएगी हमारी ट्वेल्व पर उसके बाद वी वी डिनर एट डिनर लेने के लिए देखिए डिनर करेंगे हम डिनर लेने के लिए अब हमारे पास जो है रात को डिनर करते हैं रात को भी हम जो है एट ओ क्लॉक मानते हैं कि हम करते हैं तो एट पर हमारी स्मॉल हो जाएगी ठीक है और उसके बाद हमारी जो है बिग हमारी किस पर चली जाएगी बिग हमारी चली जाएगी ट्वेल्व पर ठीक है हमने स्मॉल हैंड कर दी हमने एट पर और बिग हैंड हमने किस पर कर दी ट्वेल्व पर अब उसके बाद हमारी जो है आई गो टू बेडेट रात को कितने बजे सोने जाते हो नाइन ओ क्लॉक ठीक है तो नाइन पर और ट्वेल्व पर ठीक है एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं हम कितने बजे क्या काम करते हैं ठीक है माई नेम इज़ यहाँ पे आपने क्या करना है अपना नाम लिखना है उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आई गेट अप एट कितने बजे उठते हो आप सिक्स सिक्स एम ठीक है सिक्स ए एम उसके बाद आई ईट ब्रेकफास्ट एट ब्रेकफास्ट कितने बजे खाते हो सेवन एम ये एम इज मॉर्निंग आई गो टू स्कूल एट एट एम स्कूल कितने बजे जाते हो एट ए एम पर जाते हो ठीक है उसके बाद आई ईट लंच एट लंच कितने बजे लेते हो लंच हम ट्वेल्व नून ठीक है ट्वेल्व नून उसके बाद आई लीव स्कूल एट स्कूल से कितने बजे आते हो थ्री पी एम नेक्स्ट इज़ आई ईट डिनर एट डिनर कितने बजे लेते हो एट पी एम नेक्स्ट इज़ आई गो टू बेड एट रात को सोने के लिए कितने बजे जाते हो नाइन पी एम ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया सारा ये हमारा डेली रूटीन हो गया इन टाइम टाइम में हमने ये डेली रूटीन कर लिया उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्ज़र्व द पिक्चर्स राइट द नंबर इन ऑर्डर इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और ऑर्डर में हमें नंबर लिखने हैं सबसे पहले देखो ये क्या है सनराइज़ है सनराइज़ हुआ हम गेटअप हुए तो ये क्या हो गया सबसे पहले मॉर्निंग मॉर्निंग में हम उठे ठीक है ये हमारा फर्स्ट हो गया उसके बाद हमने टीथ ब्रश किए ठीक है ये हमारी क्या हो गई सेकंड एक्टिविटी हो गई टीथ ब्रश करने के बाद उसके बाद थर्ड हमारी क्या हो गई हम नहाए नहाने के बाद हमने क्या किया ब्रेकफास्ट किया ठीक है ब्रेकफास्ट करना हमारी क्या हो गई नेक्स्ट एक्टिविटी उसके बाद हम क्या गए स्कूल गए ठीक है स्कूल में हमने क्या किया पढ़ाई की स्टडी की स्टडी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी हो गई फिर हम क्या हुए वापस स्कूल से आए ठीक है वापस स्कूल से आने के बाद हम क्या किया हमने हम सो गए ठीक है तो ये हमारी क्या हुई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड एट्थ ठीक है ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो गई गेटअप ब्रशिंग बाथिंग ठीक है ब्रेकफास्ट टेकिंग ब्रेकफास्ट नेक्स्ट गोइंग टू स्कूल स्टडिंग बैक टू होम एंड गो टू बेड एट नाइट ठीक है ये सब हमारा डेली रूटीन हो गया ये हमने समझ लिया उसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं सन मून एंड स्टार्स सन मून एंड स्टार्स में सबसे पहले ये देखो ये क्या है सुंदर सा सन है अभी आप बाहर निकल के देखोगे तो बाहर आपको क्या देख दिखाई देगा सन दिखाई देगा देखिए सन क्या होता है राइजेज इन द ईस्ट ईस्ट हमारी कौन सी है पूर्व दिशा जहाँ पे सन उगता हुआ सुबह आपको दिखाई देता है उसे हम कहते हैं ईस्ट ई एस टी ईस्ट सन सेट्स इन द वेस्ट सन जहाँ पे छिपता है उसे हम क्या कहते हैं वेस्ट डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट मून जो मून है हमारा एम डबल ओ एन मून शाइन्स एट नाइट इन द स्काई रात को ये जो है स्काई में शाइन करता है कब करता है नाइट में ठीक है नाइट में करता है बच्चों आकाश के अंदर ये हमारी क्या है स्टार्स हैं ठीक है थीके? स्टार्स जो होते हैं ये रात को क्या करते हैं टिम टिम करते हैं ना इसे हम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल एट नाइट इन द स्काई रात को स्काई में ट्विंकल करते हैं सबने देखे होंगे ना सबको सुंदर लगते हैं ना कितने प्यारे होते हैं उसके बाद हम जानेंगे डायरेक्शंस डायरेक्शन हमारी कितनी होती है बच्चों फोर कितनी डायरेक्शंस होती है फोर फोर डायरेक्शन में जिधर सनराइज हुआ ठीक है सनराइज ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट ठीक है ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है East. उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है जहाँ पे सनसेट होता है सनसेट यानी कि सूरज छिपता है वो हमारी कौन सी है वेस्ट ठीक है उसके बाद अगर हम ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारी जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड ये वाली ये हमारी होती है साउथ क्या होती है साउथ और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या होती है नॉर्थ ठीक है यहाँ पे स्टार जो है शाइन करता है ठीक है ये ये वाली हमारी और यहाँ पे सन जो है छिप जाता है नीचे की तरफ ठीक है ये छिप जाता है हमारा सन और उसके लेफ्ट साइड में हमारी क्या है नॉर्थ और राइट right साइड में हमारी क्या है साउथ ठीक है ईस्ट ई ए एस टी ईस्ट डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट एन ओ आर थी नॉर्थ एस ओ यू टी एच अब इसी से देखो हमारी एक और मज़ेदार चीज़ बनी है नॉर्थ का हम लेते हैं एन ईस्ट का हम लेते हैं ई ठीक है वेस्ट e, का हम लेते हैं डब्ल्यू और साउथ का हम लेते हैं एस तो ये हमारा क्या बन गया न्यूज़ न्यूज़ यानी चारों दिशाओं में जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी जानकारी दैट इज़ कार्ड द न्यूज़ उसको हम क्या बोलेंगे न्यूज़ समाचार ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे इवेल्यूएशन राइट द फोर डायरेक्शन क्या लिखना है हमें फोर डायरेक्शन के बारे में लिखना है राइट एनी फाइव डेली एक्टिविटीज़ दिन में कोई भी पांच एक्टिविटीज़ राइट एट वट टाइम किस टाइम पर आप ब्रेकफास्ट करते हो और किस टाइम पर आप बेड पर जाते हो ये आपने अपने आप से लिखना है ठीक है अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को ठीक है किसको सब्सक्राइब करना है श्रीजा एजुकेटर्स को Thank you. Stay home. Stay safe. Have a nice day.